जनरेटिंग लाइंस का ये दसवां वीडियो है, आप सभी का स्वागत। जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलाइड का ये तीसरा वीडियो है। एग्जाम्पल नंबर वन, जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलिक पैराबोलाइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ध्यान रखना ए है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू फोर जेड। ए स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर नहीं है, फोर सी जेड नहीं है, ध्यान से। तो जो आप आर्टिकल डिस्कस किए हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किए हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए थे, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल में वही इक्वेशन दिया रहे, उसी जैसा रहेगा, तो इस पर सतर्क रहना है। आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से होकर जाने वाले जनरेटर्स हमको पता करना है और फिर उनके बीच के एंगल निकाल देना है। तो उनके बीच के एंगल के लिए उनके डी आर चाहिए, बस इतनी सी बात है। चलो शुरू करो। एग्जाम्पल नंबर वन ही पड़ेगा क्योंकि इसके पहले तो हम आर्टिकल ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक, एक्स स्क्वायर पान ए माइनस वाई स्क्वायर पान बी इक्वल्स टू फोर जेड नंबर वन। एनी लाइन थ्रू दिस, एनी लाइन थ्रू अल्फा जीरो गामा इज एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल्स टू आर नंबर टू। हियर एल एम एन आर डी सी इज ऑफ दिस लाइन एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट अल्फा जीरो गामा एंड जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। अब इसी को जनरेटर हमको बनाना है। अगर यही जनरेटर है जिसके सारे पॉइंट इस पर स्थित होंगे, इसलिए जनरल पॉइंट भी स्थित होगा, तो यही सब चलो करें। एनी पॉइंट ऑन इट इज, एनी पॉइंट ऑन इट इज, इतना बराबर आर करके एक्स निकालो, इतना बराबर आर करके वाई निकालो, इतना बराबर आर करके जेड निकालो। तो एक्स वाई जेड जो निकलेगा वही जनरल पॉइंट हुआ, उसी को एनी पॉइंट लिखा हुआ है। एल आर प्लस अल्फा एम आर एन आर प्लस गामा, इस पॉइंट को उठा के इस पे रखो नंबर वन पे, पुटिंग इट इन वन वी गेट वन बाई ए इंटू एल आर प्लस अल्फा होल स्क्वायर माइनस वन बाई बी इंटू एम आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर जेड, यानी फोर इंटू एन आर प्लस गामा। अब इसको आर में क्वाड्रेटिक जैसा लिखिए, इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर के कोफिशियंट्स ढूंढिए। एल स्क्वायर बाई ए माइनस एम स्क्वायर बाई बी, बस मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस टू इंटू आर, ये ढूंढिए। दिस प्लस दिस होल स्क्वायर करोगे तो टू आर आएगा ना, टू आर एल अल्फा अपान ए, तो टू आर हटा के क्या बचा, एल अल्फा अपान ए, एल अल्फा अपान ए, इसमें टू आर आएगा ही नहीं, इसमें देखो टू आर दिख रहा है, तो टू आर हटा लेंगे तो टू एन बचेगा, माइनस टू एन ये रहा, प्लस बिना आर वाले अल्फा स्क्वायर बाई ए और इसमें आएगा फोर गामा माइनस फोर गामा इक्वल्स टू जीरो नंबर थ्री। अब वही सब तर्क दीजिए कि यदि लाइन टू सरफेस वन की जनरेटर है तो लाइन टू पूरी की पूरी वन पे स्थित होगी, इसलिए लाइन टू पे लिया गया जनरल पॉइंट भी वन पे स्थित होगा और इसलिए समीकरण नंबर तीन एक सर्वसमका है, एक आइडेंटिटी है, यही सब बात करें। इफ
टू इज अ जनरेटिंग लाइन या जनरेटर या रूलिंग, इफ टू इज अ जनरेटर ऑफ वन देन थ्री मस्ट बी आइडेंटिटी, सीधा लिख रहा है, थ्री मस्ट बी एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि आर के हर रियल मान के लिए ये समीकरण ट्रू है, होल्ड करेगा, सत्य है, और इसलिए सभी कोफिशिएंट्स जीरो होंगे, एंड सो वी मस्ट हैव आर स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा, एल स्क्वायर बाई ए माइनस एम स्क्वायर बाई इक्वल्स टू जीरो, नंबर फोर कामा टू आर का कोफिशिएंट जीरो होगा, एल अल्फा अपान ए माइनस टू एन इक्वल्स टू जीरो, नंबर फाइव, और ये जो फ्री कांस्टेंट है ये भी जीरो होगा, एंड अल्फा स्क्वायर बाई ए माइनस फोर गामा इक्वल्स टू जीरो, नंबर सिक्स। अब हम जनरेटर्स के डीआरस निकालने जा रहे हैं जिनके डीसीज इन रिलेशंस के द्वारा दिए गए, यही इसका कंसेप्ट होता है। इसकी ट्रेनिंग डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर में आपको दी जाती है, ऐसे क्वेश्चन वहां मिलेंगे ना, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डीसीज आर गिवन बाय दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन, ऐसे करके। तो मैं यहां पे एक उपशीर्षक सब हेडिंग डाल दे रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर्स। फ्रॉम फोर एंड फाइव, क्योंकि सिक्स में तो एल एम एन कुछ है ही नहीं है, फ्रॉम फोर एंड फाइव। हाँ, तो ये मत सोचिएगा कि इसकी कोई भूमिका नहीं होगी, ये भूमिका निभाएगा आगे चल के। फोर को गौर से देखें, एल अपान रूट ए इज इक्वल टू एम अपान प्लस माइनस रूट बी कामा, और फाइव को देखें, एल अपान ए इज इक्वल टू टू एन अपान अल्फा इम्प्लाइज दैट एल बाई रूट ए इक्वल्स टू एम बाई प्लस माइनस रूट बी कामा एल बाई रूट ए, रूट ए यहाँ से यहाँ हटा दो, टू एन रूट ए अपान अल्फा। अब इसी की वैल्यू दो दो है, सबको आपस में इक्वेट कर दो, तो एल अपान कॉन्स्टेंट इक्वल टू एम अपान कॉन्स्टेंट इक्वल टू एन अपान कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इस तरीके से डी आर से आपको मिल जाएंगे, एल अपान रूट ए इक्वल्स टू एम अपान प्लस माइनस रूट बी इक्वल्स टू टू एन रूट ए अपान अल्फा। रूट ए से नीचे गुणा कर दें, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाई वन अपान टू रूट ए, इससे गुणा करेंगे तो टू रूट ए ऊपर से हट जाएगा। वी हैव एल बाई टू ए इज इक्वल टू एम बाई प्लस माइनस टू रूट ए रूट बी इक्वल्स टू एन अपान अल्फा। देयरफॉर टू ए कामा टू अंडर रूट ए बी कामा अल्फा एंड टू ए कामा माइनस टू अंडर रूट ए बी कामा अल्फा आर डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द जनरेटर्स। जनरेटर्स के डी आर्स मालूम हो गए, अब उनके बीच के एंगल हम निकाल लें।
इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द जनरेटर्स देन इन्वर्टेड कॉमा में पहले फार्मूला लिख दें, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड कॉमा अर्थात अब इसको अर्थ ही आइए अपने इस संदर्भ में ए वन बी वन सी वन है ए टू बी टू सी टू है कॉस थीटा इज इक्वल टू डिवाइडिंग लाइन टू ए इंटू टू ए फोर ए स्क्वायर दिस इंटू दिस माइनस फोर ए बी माइनस फोर ए बी प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस अल्फा स्क्वायर अरे वाह इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस अल्फा स्क्वायर। देखो एक चार पाँच के बाद इक्वेशन नंबर छः था यहीं पे ना मिटा दिए हम उसी की ज़रूरत पड़ गई। उस इक्वेशन नंबर सिक्स में लिखा था अल्फा स्क्वायर बाई ए इक्वल टू फोर गामा अल्फा स्क्वायर बाई ए माइनस फोर गामा इक्वल्स टू ज़ीरो ये था इक्वेशन नंबर सिक्स। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ले चलो रखो इक्वल्स टू फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी प्लस अल्फा स्क्वायर माने फोर ए गामा अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर ए गामा और यहाँ पे लॉजिक लिख दीजिए बाय इक्वेशन नंबर सिक्स। फोर ए ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया जाए फोर ए तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस गामा अपॉन ए प्लस बी प्लस गामा इसलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस बी प्लस गामा अपॉन ए प्लस बी प्लस गामा यही निकालना था बेटा। अगला एग्जांपल देखिए हर तरह के एग्जांपल हम आपके सामने रख देंगे। एग्जांपल टू शो दैट द पोलर लाइन्स ऑफ द जनरेटर्स शो दैट द पोलर लाइन्स ऑफ द जनरेटर्स जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलिक पैराबोलोइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए जेड विथ रेस्पेक्ट टू द स्फेयर विथ रेस्पेक्ट टू द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए यहाँ भी है वही ए यहाँ भी है लाई ऑन द हाइपरबोलिक पैराबोलोइड लाई ऑन द हाइपरबोलिक पैराबोलोइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए जेड कितना बढ़िया देखो ये क्वेश्चन देखो ये बस थोड़ा सा अंतर है। पोलर लाइन
पोलर प्लेन, इसका पहली बार आपसे सामना हुआ था स्फीयर्स चैप्टर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पोलर लाइन, पोलर प्लेन ये सब पता होगा। देखो क्या है ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए जेड। इसके जनरेटर्स के पोलर लाइंस का लोकस ये है। तो दोनों सिस्टम के जनरेटर्स शो दैट पोलर लाइंस ऑफ द जनरेटर्स ऑफ द हाइपरबोलॉइड। तो लैम्डा सिस्टम का जनरेटर हम लोग कंसीडर करें, उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलें, लेट अस कंसीडर जनरेटर्स, हाँ ये जो बहुवचन लिखा है ना जनरेटर्स, वो हम भी लिख दिए। लेट अस कंसीडर जनरेटर्स ऑफ लैम्डा सिस्टम। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू लैम्डा और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए जेड बाई लैम्डा। नंबर टू, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा और यहाँ लैम्डा लैम्डा कट के टू ए जेड आ जाएगा। क्लियर? थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे हम लिख देना चाह रहे हैं, लिखित दस्तावेज रहेगा ठीक रहेगा। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं दिस इज करके लिख रहे हैं एक वचन में, या दीज आर लिख दें। दिस इज इक्वेशन ऑफ जनरेटर और जनरेटर एक लाइन होती है ना, तो जनरेटिंग लाइन लिख दे रहा हूं, थोड़ा लाइन जैसा बोध निकले उसमें से। जनरेटिंग लाइन का है, दिस इज लिखे अच्छा नहीं लग रहा हमको। दीज आर इक्वेशंस, ये कई इक्वेशंस हैं, लैम्डा इसमें पैरामीटर है। दीज आर इक्वेशंस ऑफ जनरेटिंग लाइंस इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म वी कन्वर्ट देम, वी कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इन सिमेट्रिक फॉर्म, इन सिमेट्रिक फॉर्म्स। ये हमारा एक इरादा है, यहाँ पर ये लिखा रहेगा ठीक रहेगा, नहीं तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। तो अब जनरल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हो तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने ट्रेनिंग ली होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। देखो भैया, सिमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लाइन लिखने के लिए दो डेटा चाहिए बस, एक लाइन पर फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, कौनो लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं असंख्य, कौनो एक तो पॉइंट चाहिए, और दूसरे लाइन की डी आर चाहिए। तो जनरल फॉर्म में अगर लाइन के इक्वेशन लिखे हों तो उनके डी आर्स क्या होंगे, इसका अपना सेट फार्मूला जैसी बातचीत है, और उस पर पॉइंट चाहिए तो बताओ कौन सा पॉइंट ले लें किसी लाइन पर, विचार करो कौन सा पॉइंट ले लें जिस पर असंख्य बिंदु हैं, तो कौन सा बिंदु ले लें बताओ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि किसी प्लेन के से इसका इंटरसेक्शन करा देते हैं, किसी प्लेन से इस लाइन का हम इंटरसेक्शन करा देते हैं, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वही पॉइंट हो गया।
तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए लाइन के इक्वेशन को प्लेन का जो इक्वेशन आप लेंगे, प्लेन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका, समीकरणों को एक साथ हल किया जाए। तो अब जिस प्लेन से इसको इंटरसेक्ट कराना है इस लाइन को, उस प्लेन का इक्वेशन सिंपलेस्ट हो ताकि हमें हल करने में दिक्कत ना हो। तो सिंपलेस्ट इक्वेशन वाले प्लेन कौन से हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन हैं, एक्स वाई प्लेन, जिसका इक्वेशन जेड बराबर जीरो होता है, वाई जेड प्लेन, जिसका इक्वेशन एक्स बराबर जीरो होगा, और जेड एक्स प्लेन, जिसका इक्वेशन वाई बराबर जीरो होगा। इनसे ना काम बने तो एक्स बराबर ए, ये भी प्लेन है, एक्स बराबर ए वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन है, वाई बराबर बी ये भी प्लेन है, जेड बराबर सी ये भी प्लेन है। समझ गए ना? यह कंसेप्ट दे दिया हमने, अगर आपको नहीं मालूम था तो आज हमने दे दिया। तो सबसे पहला ट्रायल हम जेड बराबर जीरो के लिए करते हैं। तो जेड बराबर जीरो प्लेन से इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो जेड बराबर जीरो और इसे साथ साथ हल करना है। चलो हल करें, पुटिंग जेड बराबर जीरो इंटू पुटिंग जेड इक्वल टू जीरो इंटू वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू टू लेमडा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इन दोनों को हल करो, जोड़ोगे तो y y कट जाएगा, 2x बराबर टू लेमडा, तो x बराबर लेमडा आ गया। अगर x बराबर लेमडा आ गया तो y बराबर माइनस लेमडा आ गया, और z बराबर जीरो है ही है, तो देखो ये पॉइंट मिल गया। देयर फोर लेमडा माइनस लेमडा जीरो इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट ऑन द लाइन टू। तो नंबर टू पर हमको एक पॉइंट मिल गया। अब इसका फॉर्म सिमेट्रिक वाला लिखिए। Therefore, symmetric form of equation 2 is x minus lambda upon equals to y minus minus lambda, yani y plus lambda upon equals to z minus 0 upon drs के लिए set formula determinant, पहला कॉलम b1 b2, दूसरा कॉलम c1 c2, इसमें पहला कॉलम C1 C2, दूसरा कॉलम A1 A2, और ये पहला कॉलम A1 A2, दूसरा कॉलम B1 B2। A1 A2 x के कोफिशियंट्स हैं इन दोनों समीकरणों में, B1 B2 y के कोफिशियंट्स हैं, C1 C2 z के कोफिशियंट्स हैं। तो रखिए, अर्थात x माइनस लेमडा अपॉन डिटर्मिनेंट b1 b2 y के कोफिशियंट्स माइनस वन वन, z के कोफिशियंट्स इसमें z नहीं है जीरो, और ये इधर आएगा माइनस a अपॉन लेमडा इक्वल्स टू y प्लस लेमडा अपॉन डिटर्मिनेंट जीरो माइनस a बाई लेमडा, और x के कोफिशियंट्स वन वन इक्वल्स टू सेट अपॉन डिटर्मिनेंट वन वन माइनस वन वन, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस लेमडा अपॉन ए अपॉन लेमडा इक्वल्स टू वाई प्लस लेमडा अपॉन ए अपॉन लेमडा इक्वल्स टू जेड अपॉन टू। तो नीचे लेमडा से गुणा कर दें, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस लेमडा अपॉन ए इक्वल्स टू वाई प्लस लेमडा अपॉन ए इज इक्वल टू जेड अपॉन टू लेमडा। ये सिमेट्रिक फॉर्म आ गया। इसकी नंबरिंग कर दें तीन। जो लाइन इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही, वही लाइन इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट की जा रही। ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म था, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन माने जनरेटिंग लाइन, इन सिमेट्रिकल फॉर्म है। देखो, पोलर लाइन तक पहुंचना है, अब हम पहुंच रहे हैं। पोलर लाइन किसका? जनरेटर का, इसका। इसका पोलर लाइन अभी आया नहीं आपके सामने, और पोलर लाइन, पोलर पॉइंट हमेशा ही विथ रेस्पेक्ट टू स्फेयर लिखा जाता है।
विथ रिस्पेक्ट टू ए सरफेस लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, इस पर हम जनरल पॉइंट लेंगे, इस पर हम जनरल पॉइंट लेंगे, समझो ध्यान से। उस जनरल पॉइंट का इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में पोलर प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे और फिर गौर से देखेंगे कि वो प्लेन किसी लाइन से होकर जाने वाला है क्या। तो जिस लाइन से होकर जाने वाला होगा वही पोलर लाइन होगा। तो एनी पॉइंट ऑन इट इज, एनी पॉइंट ऑन इट इज, ये डिसीज नहीं है। ए टू लैम्डा कैसे मालूम डिसीज नहीं है, क्योंकि इनके वर्गों का योग एक नहीं है। तो तीन संख्याओं की तिकड़ी अगर डिसीज नहीं है तो डी आर से, तो डिसीज में यहाँ स्मॉल आर लेते हैं इक्वल टू, और डी आर्स के केस में स्मॉल आर नहीं लेंगे, बाकी आपका मन के ले लो, कैपिटल आर ले लो। तो एज्यूम कर लो कि यहाँ इक्वल टू आर लेकर के एक्स निकालो, वाई निकालो, जेड निकालो। तो मैं लिख रहा हूँ ए कैपिटल आर प्लस लेमडा कामा ए कैपिटल आर माइनस लेमडा कामा टू लेमडा कैपिटल आर। अब इसके पोलर प्लेन का इक्वेशन हम इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट ए कैपिटल आर प्लस लेमडा ए कैपिटल आर माइनस लेमडा टू लेमडा कैपिटल आर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज, किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन के पोलर प्लेन का इक्वेशन लिखना हो जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में, उसमें क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स वन एक्स से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई वन वाई से, जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे जेड वन जेड से, और क्या क्या होता है, 2x को रिप्लेस कर देते हैं x1 प्लस x से, 2y को रिप्लेस कर देते हैं y1 प्लस y से, 2z को रिप्लेस कर देंगे z1 प्लस z से। पोलर प्लेन का इक्वेशन लिखना आपको आता है ऐसा मान के चलना, नहीं आता तो एक बार स्फीयर चैप्टर पढ़ लो, देख लो वहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। तो x1 y1 z1 इसको समझिएगा, ए कैपिटल आर प्लस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए कैपिटल आर माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस टू लेमडा कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाई जेड इक्वल टू ए स्क्वायर इम्प्लाइज दैट लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई प्लस बस माइनस ए स्क्वायर। एक तो ये ग्रुप दिख रहा है हमको, ये लेमडा वाला, ये लेमडा वाला, मतलब आर जिसमें ना हो, और ये और प्लस कैपिटल आर ब्रैकेट में क्या क्या भैया देखो, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू लेमडा जेड इक्वल्स टू जीरो। ये प्लेन के इक्वेशन है, पोलर प्लेन के इक्वेशन है। इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन थ्रू द लाइन, इट रिप्रेजेंट्स प्लेन थ्रू द लाइन लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू लेमडा जेड इक्वल्स टू जीरो। नंबर फोर, मान लीजिए एक लाइन के क्वेश्चन जनरल फॉर्म में लिखा है पी वन इक्वल टू जीरो पी टू इक्वल टू जीरो, तो इस लाइन से होकर जाने वाले प्लेन के इक्वेशन कैसे लिखते हो, पी वन प्लस लेमडा पी टू बराबर जीरो ऐसे ही तो लिखते हो। तो पी वन प्लस लेमडा पी टू बराबर जीरो जैसा नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन है वो।
इट रिप्रेजेंट्स द प्लेन थ्रू द लाइन, ये लाइन है ना, दोनों मिला के लाइन है, इसी लाइन को पोलर लाइन कहते हैं। दिस इज द पोलर लाइन, दिस इज द पोलर लाइन ऑफ जनरेटर। पे कौन सा नंबर पड़ा था जनरेटर की क्वेश्चन पे, ये है तो ऑफ जनरेटर, ऑफ जनरेटर थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यही चीज बस टेढ़ा था, पोलर लाइन का कंसेप्ट मुझे पूरा विश्वास है आप भूल चुके होंगे, इसलिए स्पेयर चैप्टर में उसको जरा पढ़ लीजिए। यही संकट था इसमें कि जनरेटर के पोलर लाइन का एक क्वेश्चन लिखिए, और चूंकि बहुवचन में सारा काम चल रहा है ना, लैम्डा इसमें पैरामीटर है, क्वेश्चन में सब बहुवचन लिखा है, जनरेटर्स पोलर लाइंस, तो यहां भी हम इसको चेंज कर दें, दीज आर द पोलर लाइंस ऐसे कर दें, है ना, दीज आर द पोलर लाइंस ऑफ जनरेटर्स थ्री विथ रिस्पेक्ट टू दिस, वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ दिस दीज पोलर लाइंस। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि आप बताइए कि ये पोलर लाइंस फलाने सरफेस पर लाई करती हैं, माने फलाने सरफेस लोकस हुआ, वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ दीज पोलर लाइंस, दीज पोलर लाइंस, लोकस ऑफ पॉइंट तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसको आप एक्स वन वाई वन जेड वन मान लो, दिए हुए फैक्ट्स की मदद से एक्स वन वाई वन जेड वन में एक रिलेशन स्थापित कर लो, फिर उस रिलेशन को जनरलाइज कर दो, एक्स वन की जगह एक्स, वाई वन की जगह वाई, जेड वन की जगह जेड रिप्लेस करते हुए वही लोकस हो गया। लेकिन लाइन का जो लोकस है वो थोड़ा कठिन होता है। अब लाइन का लोकस निकालने का कंसेप्ट क्या है कि देखो, लाइन जिसका लोकस निकालना होता है उसमें कोई ना कोई ऐसा एंटिटी होगा जो जो निकाला जा सकता है, जैसे देखो लैम्डा है ना, लैम्डा पैरामीटर है। अब लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट पोलर लाइंस होगा, तो यदि हम लैम्डा को एलिमिनेट कर दें तो वही लोकस हो जाएगा, यानी लैम्डा के सभी मानों के लिए, सब के लिए वो ट्रू हो जाएगा। तो लोकस निकालने का बस यही तरीका है कि इक्वेशन को गौर से देखिए, कोई चीज़ ऐसी आपको लगेगी जिसको एलिमिनेट किया जा सके वही एलिमिनेट कर दिया करो। नाउ फ्रॉम फोर लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमा और टू लैम्डा जेड इक्वल्स टू माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई, एलिमिनेटिंग लैम्डा, एलिमिनेटिंग लैम्डा, वी हैव, देखो इसको समझ लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी जेड, ये एक सरफेस लिए थे और इसके जनरेटिंग लाइंस के इक्वेशंस को आप लिखे थे, तो उसमें लैम्डा भिड़ा दिए थे ना, और फिर आप समझे थे कि उन्हीं इक्वेशंस को हम भिड़ा दें तो लैम्डा एलिमिनेट हो जाएगा तो ये सरफेस आ जाएगा, तो वही क्रिया तो हम कर रहे हैं, लोकस निकल जाएगा। टू जेड इंटू लैम्डा की वैल्यू यहां से ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई इंप्लाइज दैट टू ए जेड, टू ए जेड एक एक कट गया, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस माइनस को भी इधर कर दें तो उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इधर हो गया माइनस टू ए जेड, यही लोकस है, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस, विच इज द रिक्वायर्ड लोकस।
यानी यही वो सरफेस है जिस पर ये पोलर लाइंस लाई करेंगी। वीडियो लाइक करें, निश्चित आप रूप से आपको अच्छा लगा होगा। दोनों एग्जांपल बहुत ही बढ़िया थे। थैंक यू वेरी मच। अभी ये जारी रहेगा।